हेलो एंड वेलकम टू माय शो। हमेशा की तरह मैं अपने शो पर पूरी कोशिश करता हूं कि आम रेसलर्स के लिए, आम रेसलिंग कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आऊं या कुछ ना कुछ ऐसी वीडियो शूट करूं कि जिसमें कम्युनिटी का, आम रेसलर्स का, स्पोर्ट्समैन का फ़ायदा हो। डॉक्टर उस्मान राठौर साहब हमारे साथ होंगे, जनरल फिजिशियन हैं, MBBS डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज और न्यूट्रिशन में उनका खासा एक्सपीरियंस है। वैसे तो की ख्याल से कि मैं बड़ा लाइट जहाँ इंटरव्यू लेके आऊँ। उस्मान साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक है। पाए ना डॉक्टर साहब, हाउ टू डू सेफ आर्म रेसलिंग? बेसिकली वेन एवर यू गो फॉर आर्म रेसलिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू, मतलब आपने अपने आप को वार्म अप करना है। जो से आपके मसल्स हैं वो जब वार्म अप होंगे, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से आपकी सारी मसल्स के अंदर और बॉडी के अंदर होगी, तो जो सा वार्म अप है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वार्म अप किए बगैर अगर आप जाते साथ ही हैवी वेट या पंजा लगाने शुरू कर देंगे, आर्म रेसलिंग शुरू कर देंगे, तो उसमें आपके मसल टीयर होने के, टेंडन रप्चर होने के और जो से लिगामेंट्स हैं जो कि बहुत बोन को बोन के साथ अटैच करते हैं, उसकी इंजरीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऑलवेज वार्म अप फर्स्ट थिंग एंड डोंट ट्राई टू डू हैवी वेट इन द फर्स्ट गो। पहले लाइट वेट से शुरू करें, अपने मसल्स को टून अप करें, उसके बाद आप हैवी करें, लेकिन वो वेट यूज़ करें जो आप खुद कंट्रोल कर सक रहे हो। वो वेट ना यूज़ करें जिस जो आपको कंट्रोल करे, आपसे कंट्रोल ना हो रहा हो। जब आप वेट कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो 100% आपके जॉइंट्स में इंजरी होगी, क्योंकि ये बहुत छोटे जॉइंट्स हैं। अगर आप इनके नॉट में देखेंगे तो यहाँ पे जो सी बोन्स हैं वो बहुत छोटी होती हैं और बहुत ईजीली डैमेज हो सकती हैं। तो इसीलिए कई दफ़ा जो से लोग हैं, जो आम रेसलर्स हैं, उनको माइक्रो इंजरीज होती हैं। यहाँ पे कई लोगों को यहाँ पे पेन जो अलर्नर डैमेज होती है, मीडियन नर्व कंप्रेशन हो जाता है, उसकी वजह से उनको पेन जो सी है काफ़ी देर रहती है, या नमनेस फिंगर्स के ऊपर उनको रहती है। तो बस इसीलिए हमेशा वार्म अप, ऑलवेज गो स्लोली टुवर्ड्स द टॉप। मतलब आप एक दिन में बेस्ट आर्म रेसलर नहीं बनते, इट टेक टाइम, टाइम लगता है। आपने स्लोली ग्रेजुअली अपने आप को ऊपर लेके जाना। आर्म रेसलिंग में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। तो मेरे ख्याल से तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आर्म रेसलिंग में। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जो है वो क्या टिप्स हैं? ऑब्वियसली हम जब वर्कआउट करते हैं तो हम मसल टीयर कर रहे होते हैं, ठीक है। आप जिम में अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं कर सकते। व्हेन यू कम बैक एट होम यू ईट फूड एंड देन यू गेट स्ट्रेंथ, ठीक है। आप कैलोरीज अपनी जो सी हैं, जो फूड आप खाते हैं, आप अच्छा खाएं, गुड कैलोरीज खाएं, हाई प्रोटीन डाइट जो सी है वो लें, गुड फैट्स और सप्लीमेंटेशन जो सी है वो अच्छी रखें अपनी। आप जिम में जाते हैं तो आर्म रेसलिंग इज जस्ट नॉट लाइक आपने गए और हैवी वेट को मारना शुरू कर दिया। ये बेसिकली आपकी इधर टिप से लेके पीछे आपके बैक तक सारे जितने मसल्स हैं वो सब इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें आपने फिंगर से लेके अपनी ये फोरआर्म, आपका बाइसेप, आपका ट्राइसेप, आपकी पीछे विंग्स जो से सारे हर चीज़ को ट्रेन करें। आप जब डाइट अच्छी लेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो सी रिकवरी है वो फास्ट होगी, आपका मेटाबॉलिज्म जो है फास्ट होगा, आप स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो हाई प्रोटीन डाइट है वो ली, उसके अलावा जो से हमारे जॉइंट्स हैं वो लुब्रिकेट डाइट चाहिए, उसके लिए हमारे पास सप्लीमेंटेशन आते हैं जैसे ग्लूकोजामिन है, उसके अलावा कॉन्ड्राटिन है, ये सप्लीमेंटेशन जो से वो लें। उसके अलावा मैं हर आम रेसलर को ये कहूँगा कि अपने वाइटामिन B3 लेवल जो है वो लाजमी चेक करवाएं कि वो कहीं कम तो नहीं है, क्योंकि वो वाइटामिन B3 लेवल जो हैं वो कई दफ़ा कम होने की वजह से बोन डेंसिटी जो सी है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है डेंसिटी, थिकनेस ऑफ द बोन। तो उसकी वजह से फिर कई दफ़ा बोन्स के फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। तो अपने वो लेवल्स लाजमी चेक करवाएं, और क्योंकि हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, हमारी जो सी कैलोरीज हैं वो बहुत ज़्यादा हम लोग इनटेक कर लेते हैं, हमें अपना ब्लड प्रेशर का जो है वो बहुत ध्यान रखना चाहिए, हमने कोलेस्ट्रॉल का अपना ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खा रहे होते हैं, हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो अच्छा होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे HDL कहते हैं, ठीक है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। LDL जो है वो कम होना चाहिए, और टोटल कोलेस्ट्रॉल भी हमारा कम होना चाहिए। बेसिकली हमने स्पोर्ट्स को हेल्दी रखना है, आर्म रेसलिंग स्पोर्ट्स को हेल्दी इस तरह रखना है कि हम लोगों ने अपने वाइटल ऑर्गन्स जिनसे हैं उनका भी साथ में ध्यान रखना है, अपने जॉइंट्स का, वाइटल ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स हमारे बेसिकली हार्ट, ब्रेन,
किडनीज, आपका लीवर, इस सब चीज़ों का आपने ध्यान। डॉक्टर साहब, हाउ टू प्रिवेंट इंजरीज इन आर्म रेसलिंग? तो इंजरी से बस ऐसे ही बचा जा सकता है कि जब भी आपने ट्रेनिंग करनी है तो आप सबसे पहले तो वार्म अप पे फोकस रखें, अपने मसल्स की जो सी स्ट्रेचिंग है वो लाजमी करें, ठीक है। एक्सरसाइज से पहले भी स्ट्रेचिंग का सेशन रखें और एक्सरसाइज के बाद भी स्ट्रेचिंग का सेशन रखें, ठीक है। जब आप मसल्स स्ट्रेच करेंगे तो ऑब्वियसली आपके मसल्स में एक इलास्टिसिटी आएगी, और जब इलास्टिसिटी आएगी तो फिर उसके बाद कई दफ़ा आपको जर्क्स भी पड़ती हैं आर्म रेसलिंग के अंदर, कई दफ़ा आपको प्रेस भी पड़ते हैं, आप काफ़ी जगह से हिट्स पड़ती हैं, तो आपके वो मसल जब रिलैक्स पोजीशन में होते हैं तो उसमें थोड़ा सारा ये है कि स्ट्रेचेबल काम वो बर्दाश्त कर लेते हैं, हमारे टेंडन्स भी और हमारे मसल्स भी। तो दूसरी चीज़ यही है कि अपनी डाइट, अपने जो सप्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर तरीके से लें, और दैट्स इट। दिस इज सिंपल एज इट इज़ कि आपने अपना कैल्शियम लेवल जो है सप्लीमेंटेशन जो कैल्शियम की है वो लाजमी लेनी है। कि अगर आप वाइटामिन D3 को वाइटामिन K2 के साथ लेते हैं, दैट्स वेरी बेनिफिशियल, वो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। बेसिकली वो क्या करता है कि वाइटामिन K2 जो है वो आपकी आर्टरीज के अंदर जो कैल्शियम डेपोजिशन होती है ना, वो उतार के आपकी बोन के अंदर जाकर डिपॉजिट करवाते हैं, समझने वाला। तो मतलब बहुत कमाल कॉम्बिनेशन, अगर आप वाइटामिन D3 विद वाइटामिन K2 लें और साथ में अब आजकल आ रही है CAC 1000+, जिसमें आपको कैल्शियम, वाइटामिन सी और सारे बी कॉम्प्लेक्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो बी कॉम्प्लेक्स तो ऑब्वियसली आपके जो है ब्लड वगैरह भी रेड ब्लड सेल्स काउंट इंक्रीज करती है, और उसके अलावा आपकी एंड्योरेंस और स्टेमिना इंक्रीज करती है, तो विटामिन सी जो है वो बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मिला के स्लोली और ग्रेजुअली स्पीड के साथ जो चले डेली एक्सरसाइज करें, और वीक में एक दिन आप हैवी रखें लेकिन उससे पहले ही वार्म अप करें, तो आप इंजीनियरिंग फ्री जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाह आ गई जी। आ जाओ ये नहीं।